देखो बच्चों, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इसको ऑन टू चेक करना है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा, एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, फंक्शन का रेंज हमको निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, देखो अब देखो तुम्हें याद होगा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एक्स साइन एक्स कराया था, एक्स साइन एक्स, तो हमने देखो इसका ग्राफ बनाया था है ना, और मैंने बताया था कि साइन की वैल्यू होती है माइनस वन से वन, और साथ में अगर हम एक्स लगा दें मल्टीप्लाई में या प्लस में या माइनस में तो क्या होता है, देखो अगर हम साथ में इसमें एक्स लगा देंगे, मतलब ये फंक्शन है या ये फंक्शन है या ये फंक्शन है, देखो है ना, तो इस प्रकार के जो फंक्शन की रेंज होती है वो आर हो जाती है, साइन हो चाहे कॉस हो, साथ में अगर आपने एक्स लगा दिया तो ये फंक्शन है, ये है, ये है, इन सबकी रेंज आर हो जाती है। तो कहने का मतलब देखो ये है कि इस फंक्शन की रेंज आर हो जाएगी, ध्यान देना है ना, ये मैंने आपको इसका ग्राफ भी बताया था। ठीक है, तो इसकी रेंज आर हो गई और कोडोमेन भी आर है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ऑन टू क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई, जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई तो फंक्शन क्या बन गया, बोलो ऑन टू है ना, क्योंकि देखो ध्यान दो यहां पर एक्स इंटू कॉस एक्स है, ऐसा कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी रेंज हमेशा आर हो जाएगी, ध्यान देना, क्योंकि एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पूरा फंक्शन बढ़ेगा। जैसे मान लो मैंने एक्स को एक लाख कर दिया तो पूरे की वैल्यू एक लाख के आसपास होगी है ना, मैंने एक्स को माइनस एक लाख कर दिया तो पूरे की वैल्यू माइनस एक लाख के आसपास होगी, मैंने पूरे को एक करोड़ कर दिया तो फंक्शन की वैल्यू एक करोड़ के आसपास होगी। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे पूरा फंक्शन बढ़ेगा, ध्यान देना, तो एक्स पर डिपेंड करेगा और इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, बोलो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ध्यान रखना, तो रेंज मतलब आर हो गया जो कोडोमेन के बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या बन गया, बोलो ऑन टू बन गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये फंक्शन अपना ऑन टू हो गया, लिखो सब बच्चे ध्यान से।